इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है दो उबला हुआ आलू, जिसे मैंने मैश कर लिया है। मैं इस पर डाल दूंगी आधा इंच बारीक किया हुआ अदरक, दो बारीक किया हुआ हरा मिर्च, और मैं इस पर डाल दूंगी एक छोटे साइज का बारीक किया हुआ प्याज और बारीक किया हुआ धनिया पत्ता दो चम्मच। ये उबला और वह मटर, तो एक चौथाई कप मटर है, और फिर इसमें डाल दूंगी एक चौथाई चम्मच काला नमक, एक चौथाई चम्मच आमचूर पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, एक चौथाई चम्मच भुना हुआ जीरा, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला और एक चौथाई चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा हल्दी। इसे हम यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन, जिसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम इन सबको मिला देंगे अच्छे से। तो अब मैंने इन सबको अच्छे से मिला दिया, अब हम इन सबका एक बॉल्स बना लेंगे। तो अब मैंने सभी बॉल्स को तैयार कर लिया है, और यहाँ पर मैंने ब्रेड को भी ले लिया है। अब हम इसके साइड्स को कट कर देंगे। तो इन साइड्स को आप फेंके ना, इसका आप ब्रेड क्रम्स बनाकर इसे आप एक डब्बे में रख लें, जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल कर लें। तो मैंने पानी ले लिया, अब मैं ब्रेड को हल्का सा पानी में डीप कर दूंगी, और इसे हम हाथों से पूरा निचोड़ देंगे। हमें ब्रेड को ज़्यादा गीला नहीं करना है, वरना ब्रेड टूट जाएगा। और एक रोल को और एक टिक्की को लेकर मैं ब्रेड के ऊपर रख के इसे अच्छे से फोल्ड कर दूंगी, और इसे हम गोला बना लेंगे। तो यहाँ पर ये गोला बन जाएगा, इसे अब बस हल्के हाथों से गोला बना लें। तो मैंने एक गोला बना लिया, अब मैं इसे सूजी में डिप कर दूंगी। सूजी में डिप करने से बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और तेल को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आप चाहे तो इसे ब्रेड क्रम्स में भी डिप कर सकते हैं। तो अब मैंने इसे तैयार कर लिया, तो चलिए इसे फटाफट हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक पैन में मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म कर लिया है, उसमें एक एक करके इन सभी कटलेट्स को डाल दूंगी। हमें गैस की फ्लेम को धीमा पर ही रखना है। तो इस टाइम मैं इसे थोड़ा सा पलट दूंगी। ऐसे हम उलट पलट कर सेक लेंगे। तो अब मैंने इन सभी को फ्राई कर लिया है, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताएं, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।